दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लव राशि फल 2022। वृश्चिक राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति 2022 में कैसी रहने वाली है? आपके लिए अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है? अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं, तब क्या स्थिति रहने वाली है? लव लाइफ में क्या आपके साथ में पार्टनर का बिहेवियर होगा? कैसा आप अपने लव लाइफ को व्यतीत करने वाले हैं? इस नव वर्ष में आपको लव लाइफ में क्या निर्णय लेने पड़ सकते हैं, या क्या सिचुएशन आपके साथ में क्रिएट हो सकती है, या आपकी मैरिड लाइफ में क्या स्थिति निर्मित होने वाली है, क्या स्थिति बनने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली इस वर्ष में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि रिलेशनशिप के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे लव राशिफल के कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें कि हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख बस सुन सकते हैं। दोस्तों 2022 ये नया वर्ष आपके लिए बेहद कुछ खास लेकर आने वाला है, या ये कहें कुछ खास करवाने वाला है, और ये वर्ष आना आपके लिए बहुत जरूरी था। इस वर्ष में आपको एक नई उम्मीद, हर किसी को आगे आने वाले समय से एक नई उम्मीद होती ही है, लेकिन इस वर्ष से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आपने 2021 में जितने कष्ट देखे, जितनी तकलीफें देखी, उतनी शायद ही आपने बीते कई वर्षों में देखी। इसलिए 2021 की वो परेशानियां आप कैसे भुला पाएंगे? 2021 में जो हुआ, 2020 में जो हुआ, 20 के लास्ट में जो हुआ, वो कैसे निकल पाएगा? कुछ अच्छा हो तब तो वो भूल पाएंगे। तो वही आपको बताने वाले हैं किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे ग्रह। ग्रह गोचर क्या कहते हैं, क्योंकि आपको पता है हम तो ग्रहों के बारे में बात करते हैं, ग्रहों के आधार पर बात करते हैं। जो ग्रह बताते हैं वो आपके लिए बताते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे केवल और केवल सच बोलने में अच्छा लगता है जो कि ग्रहों के आधार पर है। अब वो सटीक कितना होगा, सच कितना होगा, ये आप पुराने वीडियोस देख करके समझते हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं तो समझते हैं कितना सटीक होता है, क्या जानते हैं आप और क्या क्या आपके साथ में हुआ है जो मैंने बताया है। वैसे तो ये सामान्य राशिफल होता है, ये सामान्य गोचर के आधार पर होता है, आपकी कुंडली पर्सनल रीडिंग नहीं होती है ये। लेकिन फिर भी मैं ये दावा करता हूँ कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग इससे 90% तक रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि गोचर वैसे तो 30-40% तक प्रभाव देता ही है प्रत्येक व्यक्ति पर, लेकिन जब गोचर को भी एक अनुभव के आधार पर आकलन किया जाता है तो बहुत कुछ सटीक निकल के आ सकता है। और आपको पता है कि मैं तो रिलेशनशिप के बारे में ही ज़्यादातर चर्चा करता हूँ, तो अनुभव की कमी कहाँ है। चलिए बात करेंगे राशिफल की। सबसे पहले गोचर जान लेते हैं। गोचर में देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि आपको पता है, जो कि आपके पंचमेश बनते हैं, पंचम भाव प्रेम भाव, प्रेम संबंधों को, लव लाइफ को जो विचारा जाता है, लव लाइफ में आपके पार्टनर की फीलिंग देखी जाती है, वो यही तो है पंचम भाव। पंचमेश बृहस्पति आपके 21 नवंबर 2021 को कुंभ में आ चुके होंगे और ये 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ में रहेंगे, तत्पश्चात मीन में चले जाएंगे। 13 अप्रैल 2022 को मीन में जाकर के पूरे वर्ष मीन में रहेंगे, यानी कि पंचम भाव में आ जाएंगे, प्रेम भाव में आ जाएंगे। दूसरा परिवर्तन शनि का परिवर्तन है। शनि 29 अप्रैल 2022 तक मकर में रहेंगे, तत्पश्चात कुंभ में आएंगे और फिर से वक्री होकर के 12 जुलाई पुनः मकर में वापसी कर लेंगे। राहु और केतु का परिवर्तन 13 अप्रैल को होगा, बेहद खास। 13 अप्रैल से पहले क्या होगा ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ज्यादा दर्दनाक है। क्या होने वाला है इसके बारे में आप जान करके शायद अभी भी आप थोड़े बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा सावधानी बहुत जरूरी है, परेशानी नहीं। टेंशन लेने से, परेशान होने से कोई समस्या का समाधान ना आज तक निकला है ना निकलेगा। चिंतन करिए, मनन कीजिए और जो सावधानी है उन पर ध्यान दीजिए।
राहु और केतु 13 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करके राहु राहु मेष में और केतु तुला में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे वर्ष रहेंगे। अब केतु ने आपको छोड़ दिया, केतु आपकी राशि को छोड़ रहे हैं 13 अप्रैल को। गोचर, ये तो चार विशेष परिवर्तन हैं जिनको मैंने विशेष ध्यान में रखा है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे उन्हें भी मैंने धीरे धीरे जाना है चीज़ों को, जो मोस्टली जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल सटीक आपके साथ हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, गणना की है। अब बारी आती है भविष्यफल की, आपके लव राशि फल की। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बात करते हैं। आपके लिए अगर बिल्कुल सिंगल हैं आप, तो आपके लिए ये वर्ष बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आप वैसे तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, बहुत अंदर तक उनके पूरे व्यक्तित्व को पहचानना चाहते हैं, चक्कर कटवाना चाहते हैं। इस वर्ष कोई दोस्त मिलेगा, बहुत अच्छा कोई व्यक्ति मिलेगा, और ये आपको खास करके अप्रैल के महीने में, और अप्रैल के महीने में भी 27 अप्रैल से 23 मई के बीच में, अप्रैल के लास्ट में मई की शुरुआत में मिल जाएगा, जो बेहद खास होगा। और उससे दोस्ती हो जाएगी, दोस्ती दोस्ती में कब आपको उसकी आदत लग जाएगी आप भी नहीं जान पाएंगे, और धीरे 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 ये रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। वैसे तो अप्रैल से ही ये समझ लीजिए कि आप उसकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आपने पहले से कुछ डिसाइड कर लिया, लेकिन आप पहले अपने जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, और वो अपने जो आपके हर प्रकार के पहलू हैं उन्हें आप जानने के बाद में ही आगे बढ़ने का निर्णय लेंगे, बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे, और ये निर्णय काफी आपके लिए सही भी होगा, इसमें कहीं से कोई गलत नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो किसी के निर्णय को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, किसी ने प्रपोज किया है, किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी अप्रैल मई बहुत ज़्यादा खास है। उससे पहले बहुत बुरा है, उससे पहले निर्णय भूल से भी मत लीजिएगा, फरवरी में तो एक्सेप्ट भी मत कीजिएगा, करेंगे पछताएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आप एक्स पार्टनर के साथ में अभी नहीं है, एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं, उसके साथ में बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, अचानक से केतु आपके ऊपर कृपा करेंगे और केतु की कृपा आपके ऊपर होगी इस वर्ष में, फरवरी में वापसी हो जाएगी, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ जाएंगे। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, जो मैं बोलने वाला था, जो दर्दनाक स्थिति बन रही है वो नो कांटेक्ट वालों के लिए भी है, लव लाइफ वालों के लिए भी है, और भी है, मैरिड लाइफ के लिए भी है। और क्या क्या है मैं बताता हूँ। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं वो अगर कांटेक्ट में आते हैं फरवरी में, जनवरी में, क्योंकि मार्च से पहले, अप्रैल 13 अप्रैल से पहले, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा असर होता है ग्रहों के गोचर का, वो जब जाते हैं ना तो अपना पूरा प्रभाव छोड़ कर जाते हैं। मतलब जितना कष्ट आपको अभी 17 14 15 जो महीने हुए उनमें नहीं दे पाए, वो 1 2 महीने में ही दे जाएंगे, उससे 1000 गुना दे जाएंगे। जनवरी फरवरी इसलिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, इसलिए यहाँ पर सावधान रहना है। अगर एक्स पार्टनर के साथ आगे बढ़ गए, फिर से वापस हो गए, ये समझ के कि वो अच्छा है, अभी हम जिसके साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे वो तो गलत है, वो तो हमें साफ मना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस चीज़ को लेकर के आप उस पर भरोसा करके फिर से वापस करेंगे, तो आप फिर से आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, हो सकता है कि आप बहुत बुरी स्थिति में चले जाएं। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आने वाले लोगों के लिए है कि बहुत बड़ा धोखा आपके साथ में फिर से हो जाए। लव लाइफ की अगर बात करें तो लव लाइफ में यहाँ पर स्थिति ये है कि आप जिसके साथ में अभी वर्तमान में रिलेशनशिप में हैं उसके साथ में आपके झगड़े, हाँ यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के, उनके लिए ये बात जरूरी है बहुत जानना, कि अगर अप्रैल के बाद में आप अगर कांटेक्ट में आते हैं तो आपके साथ में रिश्ता लंबा चलेगा और धोखे की गुंजाइश भी ना के बराबर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति भी कृपा करेंगे, शुक्र भी करेंगे, बहुत सारी स्थितियां अच्छी रहेंगी। यहाँ पर खास करके लव लाइफ में अप्रैल से पहले, मार्च में, फरवरी में आपके पार्टनर आपसे पीछा छुड़ाना चाहेंगे बहुत बुरी तरह, फरवरी मार्च में तो बहुत बुरी तरह पीछा छुड़ाना चाहेंगे, आपको ब्लॉक कर दें, बात ना करें, आपके मैसेज का रिप्लाई ना करें,
ऐसा लगे कि क्या हो गया और उसके साथ में आप अपने एक्स के साथ वापस जाने की सोच लें, वहां से भी दुत्कारे जाएं तो बहुत बुरी स्थिति बन जाएगी। और यहां पर अब बहुत बुरी स्थिति एक और है जो कि है मई में। मई में क्या है कि फिजिकल रिलेशन इत्यादि को लेकर के आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, चाहे किसी नए व्यक्ति के साथ में आए या लव लाइफ में ही हो, तो वहाँ पर स्थिति खराब होगी। बाकी अगर आगे देखा जाए तो स्थितियाँ अच्छी होती हुई चली जाएंगी। 13 अप्रैल 2022 के बाद में स्थितियाँ लगभग अच्छी होती हुई चली जाएंगी, रिलेशनशिप में बहुत मधुरता आएगी और लव लाइफ आपकी बेहतरीन दिशा पकड़ेगी, खास करके जून के महीने में और लास्ट आपके अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में ऐसे चांसेस बनते हैं जिसमें कमिटमेंट मिल जाए आपको, पार्टनर शादी को लेकर के बातचीत करने लगे और बहुत ज़्यादा आपको प्यार करने लगे, बहुत ज़्यादा समझदार लगने लगे आपको, बहुत स्थितियाँ आपके लिए अच्छी होने लगें। आपको अगर अप्रैल के बाद में कोई व्यक्ति मिलता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होगा, बहुत प्यार करने वाला होगा और उसके साथ में आपके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे और आपका लाइफ पार्टनर भी बनने की संभावनाएं हैं। बहुत अधिक मात्रा में ऐसे चांसेस भी हैं कि आपको मई के महीने में कोई ऐसा व्यक्ति भी मिले जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करें और हो सकता है उसे आगे बढ़ने का आप निर्णय ले सकें, या किसी के साथ में यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं मई के महीने में तो वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी अगस्त के महीने में थोड़ी बहुत, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी और जैसे आपने जो दुख झेला है, जो तकलीफ झेली है वो आपकी नहीं होगी। अगर आप अप्रैल से पहले चीज़ों को संभाल लेते हैं, सुधार लेते हैं और उतनी तकलीफ आप अपनी सिचुएशन ऐसी नहीं बनने देते हैं, आप अपने पार्टनर को अपने से दूर नहीं होने देते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती रोक के रखते हैं, तो आपके लिए आगे स्थितियाँ अच्छी बन सकती हैं। यहाँ पर आपके लिए अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में भी स्थितियाँ अप्रैल से पहले ख़राब हैं, अप्रैल 13 अप्रैल से पहले बहुत ख़राब हैं। एक तो बृहस्पति भी उतना ज़्यादा आपके लिए कोई मदद नहीं करने वाले और राहु की भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ में तकलीफें अप्रैल से पहले ज़्यादा रहने वाली हैं, फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा रहने वाली है। जो आप उम्मीद कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की या जिस प्रकार से आप लगे हुए हैं चीज़ों को सुधारने की, वो आपकी सफलता नहीं होने वाली उसमें और आपको लाभ भी नहीं मिलने वाला है। अप्रैल के बाद में ही जो होगा मैरिड लाइफ में वो आश्चर्यजनक होगा, उसमें आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा और आपकी तकलीफें भी दूर होंगी। खास करके जो बहुत अच्छे योग बनेंगे वो मई के लास्ट से आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे बनने लगेंगे। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे और जो खोया हुआ मान सम्मान है वो आपको मिलेगा, हर वो खोई हुई चीज़ आपको मिलने वाली है जो आपने बीते 1.5 वर्षों में बहुत मिस किया, उसे पूरी तरह से खो चुके हैं। आपके ईगो को, आपके आंसुओं को, आपके हर प्रकार चीज़ों को अपने आप में वो एक्सेप्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, घूमने फिरने की अधिक संभावनाएं हैं। केतु की वजह से विदेश यात्रा हो सकती है मैरिड लाइफ में, विदेश यात्राओं के साथ में बहुत ज़्यादा खर्चे भी होने वाले हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पर अगर बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी हैं। इस वर्ष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके साथ में हो सकता है कि कोई आपसे कम उम्र का व्यक्ति, खास करके महिलाओं के लिए कम उम्र का व्यक्ति आपके साथ रिलेशन में नई शुरुआत करना चाहे और उसके साथ आप आगे पहले ना बढ़ना चाहे, लेकिन आगे आप खास करके जून जुलाई में आगे बढ़ जाएं और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी संभावनाएं, अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, आपको बहुत कुछ यहां पर प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्थितियां आपके लिए अच्छी बनेंगी। आप ध्यान रखिए अप्रैल से पहले, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी आपको खुशियाँ मिलेंगी और अक्टूबर नवंबर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़रूरत से ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर किसी भी प्रकार से आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर शादी इत्यादि को लेकर कन्विंस हो जाए, मान जाए या आपको कमिटमेंट दे दें या सीरियस रिलेशनशिप वो चीज़ हो, तो वो संभव नहीं है आपके लिए इस वर्ष में। अगर ऐसा कुछ आपको कोई कहता है, नया व्यक्ति या कोई पार्टनर आपका जो है वो कहता है, तो वो धोखा होगा आपके साथ में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अगर आपको लव राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।